कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़ के उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था, भगवान के नाते नाम सोचे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचे, तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्व को एक संदेश देना होगा। आज विश्व एक अंधेरी कोठरी में जैसे कोई एक आदमी फंस जाए और उसको रास्ता न दिखे, ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति एक कोठरी में फंस गया, अंधेरी कोठरी, रात का समय, और वो फंसा तो निराश होता रहा, दरवाजा ढूंढता रहा, दरवाजा कहाँ है, हाथ पैर मारता रहा, दरवाजा उसको दिख नहीं रहा था, निराश हो रहा था। अचानक उसको थोड़ी आवाज खटखट आहट सुनाई दी कि बाहर उस कमरे के बाहर कोई आदमी आया है और उसने एक तिल्ली जलाई है। तिल्ली जलाते ही छोटी सी रोशनी की किरण वो जहां दरवाजा था उसके अंदर सुराख था उसमें से उसको दिख गई। और व्यक्ति दौड़ करके जिधर से रोशनी आ रही थी उधर जाकर के लपका, उसको दरवाजा मिल गया, खोल लिया, खोल के बाहर निकला और बहुत हड़बड़ाया हुआ। बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने निराश हो, सांस चढ़े हुए हैं? उनका, जब मैं इतनी देर से दरवाजा खोज रहा था, मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा था, अचानक आपने तिल्ली जलाई और मुझे दरवाजा मिल गया और मैं बाहर निकल आया। उनका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, तुम दरवाजा खोज रहे थे, दरवाजा नहीं खोजो, रोशनी खोजो, रोशनी, जिधर से रोशनी आएगी उधर ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो गीता हमारे लिए रोशनी है, इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जन भर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव कराने के लिए हमको निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी कई देशों में जाकर के आए हैं, मॉरिशियस भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं, यूके में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और देशों के निमंत्रण आ रहे हैं। आज भी इस 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं, जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे 2-3 लोग दिखे थे जापान के, ओहायो गोजाइमास। जापान के साथियों का मेरा थोड़ा प्रेम हो जाता जब मैं मिलता हूं, क्योंकि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जापानी कोर्स, हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक जापानी कोर्स यहाँ शुरू किया है। और केवल जापानी नहीं, बल्कि अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है, तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज ही निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए और एक यहाँ केंद्र बनाया जाए, क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जोड़ती है और इतनी जबरदस्त उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है कि आप किसी की भाषा बोल दो सामने वाला समझता कि मेरा अपना आदमी है। मैंने गलती से तमिल का एक कोर्स कर लिया था और तमिलनाडु के जब को लोग मिलते हैं तो उनसे 2 वाक्य बोलने होते हैं, वेरना शिशो पेरना इकदा वीडेंगे गदा, 3 वाक्य 2 वाक्य बोलो तो समझता कि वाह मुझे तो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति मिल गया। तो भाषा एक बहुत बड़ा सूत्र है व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये विश्व की अन्य भाषाओं का एक केंद्र खुलेगा और उसके माध्यम से यहाँ संयोग से गीता का भी केंद्र है, हम इसके माध्यम से दुनिया के बहुत देशों को यहाँ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर और गीता का संदेश देश और दुनिया में पहुंचा सके, यही मेरी शुभकामना आज के इस अवसर पर। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।